Good morning everyone, I'm welcoming all the students of class 1. So today we are going to start English grammar class. Those who have English grammar book, you can take out the English grammar book. This English grammar book, this is the English grammar book. You can take out English grammar book, okay? So now today we are going to start chapter 6, page number 26. You can take out page number 26, chapter 6. We have finished chapter 5, so I am going to start chapter 6. You can see here one and many, matlab ek aur ek se jyada, one and many, okay? One thing means singular. Ek ko hum log kya bolte hai? Singular. Ek, jaise ek, this is one pen, ek pen hi hai mere paas, to ye kya hua? Singular. Usko hum log kya bolte hai? Singular. Next, many things means plural. जहाँ बहुत ज़्यादा होता है, एक से ज़्यादा सामान मिलता है, जैसे यू हैव टू पेन्स, आपके पास दो पेन है, तो क्या हुआ, एक से ज़्यादा, उसको क्या बोलते हैं, प्लूलर. वन और मैनी, एक से ज़्यादा को क्या बोलते हैं, प्लूलर. नाउ नेक्स्ट, प्लूलर इज मोर देन वन. प्लूलर इज मोर देन वन, एक से ज़्यादा, आपके पास दो पेन, यू हैव टू पेन्स और थ्री पेन्स. टू पेन्स और थ्री पेन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, यू हैव टू पेन्स एंड थ्री पेन्स, फोर फाइव सिक्स, यू हैव सो मैनी पेन्स, वॉट वी हैव टू कॉल, दिस इज प्लूलर. अब सिर्फ आपके पास एक पेन है, यू हैव ओनली वन पेन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगुलर. ओके, वन इज सिंगुलर, टू इज, वन इज सिंगुलर एंड मैनी थिंग्स इज, बहुत सारा इज प्लूलर. नाउ Look at the following pictures and learn about singular and plural. यहाँ पर आप लोगों को example, here are some examples, you can see there, singular and plural. This is an ant. ये क्या हुआ, एक ही ant है, so this is singular. Singular. And many ants. One ants and many ants. एक का मतलब singular. एक से ज्यादा, बहुत ज्यादा है वहां पर, एंड सो दिस इज प्लूलर. नेक्स्ट, अ बॉल, दिस इज सिंगुलर एंड दिस इज मैनी बॉल्स, बहुत सारा है वहां पर, सो दिस इज प्लूलर. लाइक दिस, अ लॉक, मैनी लॉक्स, यहाँ पर एक ताला है, अ लॉक, बहुत सा, एक ताला है, तो ये क्या हुआ, सिंगुलर एंड दिस प्लूलर. ये क्या हुआ, बहुत सारा, मैनी का मतलब प्लूलर, वन का मतलब सिंगुलर. इन नेक्स्ट पेज यू कैन सी देयर, देयर आर सम एग्जांपल्स. पेन मतलब वन पेन, ही हैव और शी हैव ओनली वन पेन, सो उसके पास सिर्फ एक पेन है, तो एक पेन, शी हैव सो मैनी पेन्स, मैनी पेन्स, पी ई एन एस, पी ई एन, पेन मतलब एक पेन, एस लगाएंगे तो हम लोग क्या होगा, वो हम लोग जब भी पी ई एन, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू सम एग्जाम्पल, बॉय, बी ओ वाई, बॉय, ये क्या हुआ, वन, एक के बारे में, ही इज अ बॉय, एक, बट यहाँ पर मैं बॉयज लगाऊंगी, बी ओ वाई, दे आर बॉयज, बॉयज, एस लगाऊंगी तो क्या हो गया, वो प्लूलर, दिस इज अ प्लूलर. नाउ नेक्स्ट, फ्लैग, एफ एल ए जी, फ्लैग, एफ एल ए जी एस, इसको सिंगुलर को प्लूलर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, एस यूज, एस का यूज करना होगा, सो वी आर यूजिंग एस, एफ एल ए जी एस, फ्लैग, सो दिस इज प्लूलर एंड नाउ दिस इज सिंगुलर. ओके, लाइक दिस, हियर ऑल्सो यू कैन सी देयर, रैबिट, आर ए बी बी आई टी, रैबिट, R A double B I T S. Whenever we have many, one or more than many things, so we use S. Okay. Now next, B O Y, boy, B O Y S, boys, because there are two boys and there is only one boy. So this is singular and this is plural. Now next, C A R, car, one. One car and this is car. There are so many cars. So this is plural. Okay, like this. एक को हम लोग क्या बोलते हैं? सिर्फ
एक को हम लोग क्या बोलते सिंगुलर, दिस इज सिंगुलर एंड वन और मोर देन टू और थ्री व्हाट वी कॉल प्लूरल. एक से ज्यादा को हम लोग प्लूरल बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं सिंगुलर. ओके नाउ नेक्स्ट, वन नाउन कैन बी चेंज टू मैनी बाय एडिंग एस एट इट्स एंड. लुक एट द टेबल बिलो, मतलब वन नाउन कैन बी चेंज टू मैनी बाय एडिंग एस. एक नेम को वी हैव वन नेम बट वी विल व्हेन वी विल ऐड एस देयर आर देयर विल बी प्लूरल लाइक दिस. सिंगुलर सी ए टी, दिस इज अ नाउन सी ए टी कैट. इन लास्ट सी ए टी एस, व्हाट वी हैव टू यूज फॉर प्लूरल टू मेक कैप टू मेक प्लूरल. एक से ज्यादा को हम लोग बनाने के लिए क्या यूज करना होगा एस. सो C-A-T-S, cats. Cats मतलब, S मतलब बहुत सारा. ओके नाउ लाइक दिस D-O-G, dog. D-O-G-S, ducks. ओके E-G-G, egg. E-G-G-S, eggs. At the end of the noun, मतलब at last, नाम की लास्ट में हम लोग को S यूज करना होगा, तभी आपका प्लूरल में यूज होगा. ओके नाउ नेक्स्ट पेज यू कैन सी देयर. नेक्स्ट पेज singular and plural nouns that end with s, x, ch or sh can be changed into by adding es at its end. Look at the table below, like bus, 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 es, buses. Whenever we use s we have to use es. Okay, whenever we have x we have to use. जहां पर आपका लास्ट नेम में x, c, h, s, h, c, h, x यूज होता है वहां लास्ट में आप क्या यूज करेंगे es, लाइक दिस b r u s h b s h. सो वी हैव टू राइट लाइक दिस b r u s h e s. वी हैव टू एड e s, हम लोगों को ये e s एड करना होगा. ओके सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड. I will repeat once again. Nouns that end with S, X, C, H or S, H. जो नाम S, X, C, H और S, H से end होता है singular में, उसको plural में हम लोग को convert करने के लिए क्या करना होगा, क्या use करना होगा ES, ये ES use करना होगा. Whenever we have to make plural, so how can we make BRUSH, brush? B-R-U-S-H-E-S. We have to use this E-S. Okay? Don't be confused. So next you can see exercise walk. Exercise the following for assignment. Tick the correct option. Which of the following means ones? Mango, grapes, potatoes. यहाँ पूछ रहे हैं कौन सा फॉलोइंग, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आंसर एक ही में हम लोग को एक सिंगुलर समझ आ रहा है, सिंगुलर नेम. सो वी हैव टू फाइंड सिंगुलर नेम लाइक मैंगो, एम ए एन जी ओ, मैंगो. देयर इज नो एस और देयर इज नो ई एस, राइट. जी आर ए पी ई एस, देयर इज एस, दिस इज प्लूरल. पी ओ टी ए टी ओ ई एस, पोटैटोज, देयर इज प्लूरल. सो वेरी सिंगुलर, हु इज अ सिंगुलर, मैंगो इज अ सिंगुलर. सो मैंगो. विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स मैनी, मैनी का मतलब प्लूरल, बहुत ज्यादा. P-E-N, pen, this is singular. B-A-N-A-N is bananas, this is plural. B-O-O-K, book, this is singular. So, bananas is a plural. One can be changed into many by adding what we have to add to make many. हम लोगों को क्या add करना होगा कि singular से convert होगा plural होता है. We cannot add R. We cannot O add, we cannot add O also, we have to add S. जब भी हम लोग last में, name का last में जैसे B-O-Y, Y के last में हम लोग क्या use करेंगे? S. So, वो क्या होगा? किसे convert होगा? Singular, plural से convert होगा. Singular से plural convert करने के लिए क्या use करना होगा? We have to use S. Whenever we are going to convert singular in plural, in last we have to use s. okay, write the plural of the following words. You have to write
rulers here. C-O-W-S, cows, like this, okay? Like C-O-W-C-O-W-S, cows, B-A-G. Up, next, B-A-G-S, bags. C-A-R, C-A-R-S, cars. C-A-T-S, cats. L-E-G-S, legs. B-A-L-L-S, balls. Like this you have to do, okay? You have to convert singular in plural with the help of S. S ko aap use karenge, to kya hoga? Singular se kya ban jayega? Plural. Matlab, one or more than one, okay? So like this you have to do this homework. I think you have understand. One means singular, one, many means one or more than two is called plural. Ek se jada ko hum log kya bolte hai? Plural. And one we can call singular. Like there is, for example, singular and plural. And ants, and matlab ek hi ant hai. Many ants means bahut jada, so singular. A ball, ek ball, one ball. Many balls, singular, plural. So there are so many balls. Bahut sara balls ko hum log kya bolte hain? Plural. And ek ball ko kya bolte hain? Singular. Okay? So I think you have understand the chapter. Write the plural on the following words. I have filled up this box. You have to do this homework. And this is also your homework. So whenever the name, the noun ends with S, X, C, H or S, H, you have to add ES. Whenever you are converting plural, so you have to see there. B-U-S, bus. Pehle aapko name dikhna hai. S hoga to aapko plural mein ES use karna. Not single S. Only you have to use ES. Okay? So you have to, you can learn this. You can learn this in your book. You have your books, I think. Okay, this is your homework, exercise A and exercise B. So, today this much. Thank you. Have a good day.